रेलवे में नौकरी का लालच देकर ठगने वाले को शहर पुलिस ने हिरासत में लिया। एक ओर बेरोजगारी तो वहीं दूसरी ओर कोरोना की महामारी से बेरोजगार हुए लोगों के सामने रोजगार का अहम सवाल सामने आया है और इसी का फायदा नौकरी दिलाने के नाम पर ठगने वाले उठाते हैं। कई बार नौकरी का लालच देकर लोगों को कई लोग लाखों का चूना लगाकर जाते हैं। ऐसा ही एक मामला शहर में सामने आया। शहर के लालपेट निवासी एक व्यक्ति को रेलवे में नौकरी लगा देने का लालच देकर उनकी ओर से कुछ लोगों ने 5,50,000 रुपए ऐंठे। जब यह बात उनके ध्यान में आई तब वे सीधे शहर पुलिस थाने पहुंचे और ठगी करने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। फिरियादी की शिकायत पर 21 जून को ठगी करने वालों के खिलाफ अपराध दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की और जांच में एक आरोपी को बल्लार शाह तो वहीं दो आरोपियों को उत्तर प्रदेश के लखनऊ से हिरासत में लिया, जिसमें ठगी करने वाले आरोपियों में एक महिला और दो पुरुष का समावेश है। उक्त कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक अरविंद सालवे के मार्गदर्शन में शहर पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक सुधाकर अंभोरे के नेतृत्व में पुलिस उप निरीक्षक शैलेश जगताप, दिलीप कुसराम, इमरान खान, विकास कुड़ावले ने की। इस कार्रवाई संदर्भ में जानकारी देते हुए जिला पुलिस अधीक्षक अरविंद सालवे ने जनता से विनती की है कि इस तरह का लालच कोई देता है तो ठगे नहीं, सतर्क रहे। पुलिस इस मामले में अधिक जांच कर रही है। दिनांक 21/6/2021 ला पुलिस स्टेशन चंद्रपुर येथे रेल्वेत नोकरी लावून देतो असा आमिष दाखवून फसवणूक केल्याची तक्रार दाखल करण्यात आली। तक्रारदारांच्या तक्रारीनंतर गुन्हा नोंद करण्यात आला आणि यातील तिन्ही आरोपींना अटक करण्यात आलेली आहे। यापुढे लोकांनी अशा पद्धतीच्या आमिषाला बळी पडू नये असे आमच्याकडून सर्वांना विनंती करण्यात येते। यामध्ये आताच्या परिस्थितीमध्ये एक फिर्यादीच्या तक्रारीवरून 3 लोकांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे, परंतु यामध्ये अधिक तपास करून यामध्ये अजून कोणाची फसवणूक आपल्या जिल्ह्यात किंवा महाराष्ट्रात झाली आहे का याचा पण तपास करण्यात येत आहे। तसेच या आरोपींमध्ये अजून यांच्या मागे कोणी आहे का व यामध्ये कोणतं रॅकेट आहे का यासंबंधीचा सखोल तपास करण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत।